बोलियां इस कार्यक्रम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वीकार कीजिए उपासना जग्गा का नमस्कार। जी हां साथियों, दिवाली से अगला दिन कल हमने आप सभी ने दीपोत्सव का ये त्योहार बड़े आनंद हर्षोल्लास और पूरी उमंग के साथ मनाया। हम सभी के जीवन को सुख समृद्धि और सद्भाव से आलोकित कर सर्वत्र प्यार का संदेश फैला रहा है ये दीपों का त्योहार, तो इसलिए इसकी चमक को यूं ही बरकरार रखें। आइए आज का ये गीतों का सुरीला और आनंदमय सफर शुरू करते हैं आज के इस गीत के साथ। ये अलबेली प्यार की राह, ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे, आज भी है ये हंसते हंसते। ये अलबेली प्यार की राह, तुम होंगे जहाँ जहाँ, प्यार भी होगा वहाँ वहाँ, कहती है दिल की धड़कन, हम जवां तुम जवां। ये अलबेली प्यार की राह, ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे, आज भी है ये हंसते हंसते। ये अलबेली प्यार की राह। जब तक राह दिखाने वाली तेरी शोक नजर है, मेरे साथी मेरे हमदम, प्यारा प्यारा ये सफर है। जब तक राह दिखाने वाली तेरी शोक नजर है, मेरे साथी मेरे हमदम, प्यारा प्यारा ये सफर है। ये अलबेली प्यार की राह, ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे, आज भी है ये हंसते हंसते।
ये अनबेली प्यार की राह। वादे वादे गुलशन गुलशन रंग तेरे रुख सारों का, तेरे ही नव में गाए बूटा बूटा गुलजारों का। वादे वादे गुलशन गुलशन रंग तेरे रुख सारों का, तेरे ही नव में गाए बूटा बूटा गुलजारों का। ये अलबेली प्यार की राह, ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे आज भी है ये हंसते हंसते। ये अलबेली प्यार की राह। या साथियों, इन अलबेली प्यार की राहों में हम अक्सर चलते हैं और जब हम अच्छे से चलते हैं तो मन में एक अलग तरह की खुशी होती है। और फिलहाल तो साथियों, खुशी हमें यही है कि कल हमने दीपों का त्योहार दिवाली को सभी ने अच्छे ढंग से मिलकर परिवार के साथ और अपने प्रियजनों के साथ मनाया। और अभी तो ये खुशियां चलने ही वाली हैं, गोवर्धन पूजा है, साथ में भैया दूज का जो त्योहार है वो आने वाला है। तो ये जो एक लंबी श्रृंखला चली आ रही थी त्योहारों की, अभी थमी नहीं है, इसकी रफ्तार अभी चल ही रही है। तो कहते भी हैं कि जो खुशी का मतलब है वो मजेदार चीजें करना नहीं है, बल्कि खुशी का मतलब सार्थक चीजें करना है। इसलिए छोटी छोटी बातों में हम खुश हो जाते हैं। और कहते भी हैं कि खुशी हमें अपनों से ही मिलती है, इसलिए जितनी भी खुशियां मिलती है उन्हें संजोकर मत रखिए, बल्कि उन खुशियों को अपनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ उनको बांटिए, देखिए दुगनी चौगनी हो जाएंगी और आपके चेहरे पे भी एक अलग ही मुस्कुराहट होगी। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें,
पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। रसाए तुम्हारे लिए हम भी कैसी कैसी मंजिल छोड़ के आए तुम्हारे लिए। कलियां ही कलियां मिलता दो ऐसे, कलियां ही कलियां मिलता दो ऐसे के आबाद दिल का ये वीराना हो जाए। खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, कह दो तो यादें हैं, जी लो तो जिंदगी है। आपने ट्यून किया विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीली बोलियां। अमरे दांत से बगन्ना सब मजे में खाएं, क्योंकि हम लगाए लाल ठंडा बर लाल, लाल डाबर रेड पेस्ट देता है साथ डेंटल प्रॉब्लम से सुरक्षा। डाबर रेड पेस्ट देश का लाल। साथियों, कल दिवाली पर भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या लाखों दीपों से जगमगा उठी। हर तरफ दीयों की कतार नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी पर देवलोक अवतरित हुआ हो। घाटों पर लेजर शो और आतिशबाजी ने समूचे वातावरण को आलोक से भर दिया था। ये नजारा हम सभी ने देखा, किसी ने टीवी पर और किसी ने अपनी आंखों से वहां जाकर देखा। कहा जा रहा है कि 24 लाख दिए वहां पर जलाए गए, जिनमें से 22 लाख 23 हजार दिए जल रहे थे। 51 घाटों पर ये जो दीपों की श्रृंखला थी, इनका जो नजारा था वो अद्भुत था, और इस तरह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक में ये कीर्तिमान स्थापित हो गया। दीपों की बात हो रही है तो आइए एक ऐसा ही दीपों से सजा हुआ ये गीत सुनते हैं।
रात होती जाने क्या बात होती तो क्या सायने सायने में जिंदगानी बितानी तेरे सायने सायने
लगानी। या साथियों, जो कल की खुमारी है वो अभी तक उतरी नहीं है। कल तो घर में कई तरह के पकवान बनाए गए और मेहमानों का जो स्वागत है वो मिठाइयां खिलाकर किया गया और बच्चों को पटाखे चलाने के लिए मना किया गया। उन्हें प्रदूषण की जो भी समस्या थी उससे अवगत करवाया गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे चोरी छुपे थोड़ा सा प्रयास करते रहे कि थोड़े से पटाखे उन्होंने जलाए भी, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों ने बड़ों के साथ मिलकर जो घर की साज सजावट थी उसमें भी भरपूर सहयोग दिया और दिवाली पर रंग बिरंगी जो रंगोली की सजावट थी और उसमें बच्चों ने जो अपनी क्रिएटिविटी थी उसे भी दिखाया और सभी बच्चे उत्साहित थे और सबको बता भी रहे थे कि देखिए उन्होंने कितनी अच्छी रंगोली बनाई है। तो जो ये रंगोली है इसकी जो परंपरा थी पहले महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई थी और धीरे धीरे ये पूरे भारत में प्रचलित हो गई और इस तरह से रंगोली और फूलों से सजा ये त्योहार बहुत ही कल के दिन खास रहा, महत्वपूर्ण रहा। तो इसलिए सभी ने मिलकर दिए जलाए, मोमबत्तियां जलाई और गरीबों को भी बहुत से लोगों ने मिठाइयां बांटी और उन्हें जरूरत का सामान भी दिया। तो साथियों, यही करना भी चाहिए। हम बच्चों को भी ये सब करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और अपने जो मन का दिया है उसे कभी बुझने ना दें। उम्मीद का जो दिया है उसे हमेशा जला कर रखें और निश्चय ही ये आपके लिए अच्छा ही होगा। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का प्यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का प्यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, आहा हा, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। इस रंग रूप पे देखो हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं,
दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। डाबर हानि के फायदे हैं मैनी, फायदे मैनी डाबर हानि। वेट कंट्रोल करना है डाबर हानि खा लो, गिल्ट फ्री मीठा चाहिए डाबर हानि खा लो, न्यूट्रिशन है क्या पर बिल्कुल है, और टेस्ट में टेस्टी भरपूर है। डाबर हानि के फायदे हैं मैनी, फायदे मैनी डाबर। फायदा नंबर वन करेगा इम्यूनिटी बूस्ट, फायदा नंबर टू करेगा स्टैमिना इंप्रूव, फायदा नंबर थ्री करोगे तुम अग्री, हो जाओगे स्ट्रेस फ्री एंड वांना फ्लाई लाइक अ बी। डाबर हानि के फायदे हैं मैनी, फायदे मैनी डाबर हानि। सुरीली बोलियां इस कार्यक्रम को आप हमारे केंद्र यानी कि एफएम 106.4 मेगाहर्ट्ज पर हर रोज सुन सकते हैं 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो साथियों, बात हो रही थी दीपावली की, और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो प्रदूषण का जो स्तर है वो अभी बढ़ा हुआ है, इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें कम से कम मास्क को साथ लेकर चलें, और बिल्कुल भी परहेज ना करें। बहुत से ऐसे रोगी हैं जिन्हें अस्थमा है या जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उन्हें जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का प्रयोग अवश्य करें, और अपनी आंखों को भी बचा कर रखें, क्योंकि ये आंखें बहुत ही कीमती हैं, और अगर कभी भी कुछ परेशानी हो तो डॉक्टर को निसंकोच जल्दी से उसका इलाज भी करवाएं। जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर, जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर, कदम कदम पर मचल रहा है प्यार इस धरती पर। जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर, जब देखूं रूप तुम्हारा याद वतन की आए, जब जब देखूं रूप तुम्हारा याद वतन की आए, जैसे मेरा एक तारे पे गीत शाम के गाए, जैसे मेरा एक तारे पे गीत शाम के गाए। अमर प्यार के छेड़े तुमने तार इस धरती पर, अमर प्यार के छेड़े तुमने तार इस धरती पर। जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर।
लहरा कर तुम इन बाहों में आ जाती हो, ऐसे लहरा कर तुम इन बाहों में आ जाती हो, ऐसे बहती बहती नदियां सागर से मिल जाए जैसे, बहती बहती नदियां सागर से मिल जाए जैसे। कहां से आई ये गंगा की धार इस धरती पर, कहां से आई ये गंगा की धार इस धरती पर, जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर। झुकी झुकी ये लंबी पलके ये जुल्फों की छांव, झुकी झुकी ये लंबी पलके ये जुल्फों की छांव, बसा हुआ है इस छांव में रंग रूप का गांव, बसा हुआ है इस छांव में रंग रूप का गांव। बन जाओ अब मेरे गले का हार इस धरती पर, बन जाओ अब मेरे गले का हार इस धरती पर, जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर, कदम कदम पर मचल रहा है प्यार इस धरती पर। हेल्दी खाने की चॉइस है सही, फिर पीने में ऐसा क्यों नहीं सोचा है? कैलोरीज को किया आधा, फिर क्यों पिया कोल्ड ड्रिंक ज्यादा सोचा है? सोचा है हेल्दी पीने का, कभी सोचा नहीं तो सोचो अभी। हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाने के साथ हेल्दी पीना भी है जरूरी। स्विच टू रियल जूसेस, जिससे मिले एनर्जी, इम्यूनिटी, मिनरल्स एंड विटामिन्स। रियल जूसेस, हर सिप में हेल्थ।
बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं, घर लाओ डाबर हनी टस। तुलसी मुलेठी हनी से बना, आयुर्वेदिक डाबर हनी टस अपना, खांसी का दुश्मन डाबर हनी टस। डाबर हनी टस, अब हनी टस के साथ 10 रुपए का हॉट सिप सैशे बिल्कुल मुफ्त। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती का ये दिल्ली केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीली बोलियां। और साथियों, कल गोवर्धन पूजा का त्योहार हम मिलकर मनाएंगे और परसों भैया दूज का त्योहार है। बहुत सारी बहनें अपने भाइयों को मिलने घर आ रही हैं और बहुत सारे भाई जो हैं बहनों के घर जा रहे हैं, और इस तरह से जो बहनें या भाई दूर हैं वो एक दूसरे को बधाई संदेश भेजेंगे फोन के माध्यम से या चिट्ठियों के द्वारा। तो कैसे भी हो, इस त्योहार को अगर प्यार से मनाया जाए तो कितना अच्छा हो। तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, तुम दोनों है एक डाली के फूल। मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो, हम तुम दोनों है एक डाली के फूल। मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ कह दो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है।
से यूं डरते नहीं है, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं है। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं है, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं है। सुख की है चाह तो दुख भी सहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। ए ला 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 ला, एक हजारों में मेरी बहना है। ओ ला 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 ला। देव दर्शन धूप सुबह जलाओ शाम जलाओ, चारों दिशाओं को महकाओ। देव दर्शन धूप सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप अगरबत्ती कौन वाहन सामग्री। आपने ट्यून किया विविध भारती का दिल्ली केंद्र एफएम 106.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीली बोलियां। समय हुआ है 10:45:30। देखा क्या देखा, एक चांद जो सब
जी हाँ साथियों, चारों तरफ हम जो देख रहे हैं उसमें यही है कि हर तरफ उल्लास है, धन समृद्धि और जो वैभव की जगमग है वो सब हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में प्रकाश का एक बड़ा जो आधार है वो शिक्षा का प्रचार और प्रसार भी है। कहते हैं कि सुशिक्षित समाज स्वावलंबी समाज की पहली सीढ़ी माना जाता है। इसलिए घर में चाहे बेटा हो या बेटी, सभी को पढ़ने का समान अवसर दें। और घर में अगर हम फ्री बैठे हुए हैं या बच्चे जो कॉलेज में जाने वाले हैं वो भी फ्री बैठे हुए हैं, तो वो भी जाकर जो गरीब और जो अशिक्षित बच्चे हैं उन्हें पढ़ा सकते हैं और समाज को आगे बढ़ने में अपना योगदान भी दे सकते हैं और उन्हें प्रकाश की ओर भी ले जा सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय ऐसे गरीब बच्चों को दें जिससे कि वो पढ़ सकें और उनके जीवन में उजाला हो सके। अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन डन डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
बागों में बहार है, गलियों पे निखार है। ओ तुमको मुझसे प्यार है, बागों में बहार है। देखो देखो मुझे सैया बोलो, तुमको इकरार है, है। फिर भी इनकार है, है। ओ, तुमको मुझसे प्यार है, बागों में बहार है। चुपके पिया तेरे मन में रहूंगी, तुमने कहा था मैं सौ दुख सहूंगी, चुपके पिया तेरे मन में रहूंगी। मुझसे प्यार है, बागों में बहार है। बोलो क्या दिल बेकरार है, मुझ पे एतबार है, जीना दुश्वार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है। साथियों आज सचमुच सोमवार है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के ये गीत अच्छे लग रहे होंगे। तो बस जो मुलाकात का ये समय है अब ये संपन्न हुआ जा रहा है, चलते चलते बस हम यही कहेंगे। आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना, बातें कल जाए जितनी, अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी, आज की मुलाकात बस इतनी। कर लेना बातें कल चाहे जितनी,
अच्छी नहीं होती है जिद कितनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। अच्छी नहीं होती है जिद कितनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें पहले चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। ठहरों में दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें पहले चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। यहाँ साथियों, जिंदगी के किसी न किसी मोड पर आपसे मुलाकात जरूर होगी, ये हमारा वादा रहा। आज के लिए बस इतना ही, उपासना जग्गा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरीली बोलियां, प्रस्तुत कर रही थी उपासना जग्गा। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती का ये दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सिनेमा घर। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000।